कल मैंने एक नई कहावत सुनी। क्या? लोहे की हालत खस्ता, जब तक नहीं मिलाओ जस्ता। इसमें नया क्या है? ये खस्ता तो समझ में आता है, मगर ये जस्ता क्या है? जस्ता मतलब जिंक। जिंक मतलब पीरियोडिक टेबल में 30 नंबर वाला जिंक। दुनिया में लोहे, एल्यूमिनियम और कॉपर के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली धातु है जिंक। जब इतनी ज्यादा इस्तेमाल होती है तो फिर कहीं दिखती क्यों नहीं है? जहाँ भी तुम्हें चमचमाता हुआ लोहा या स्टील दिखता है, वहाँ उसमें जिंक भी होता है। मतलब लोहे में जिंक मिलाने से चमकने लगता है? जिंक मिलाने के बाद लोहे और स्टील में जंग नहीं लगती। इस प्रोसेस को गैल्वनाइजेशन कहते हैं। जो स्टील हम आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, दरअसल वो गैल्वनाइज्ड स्टील है। इसी जिंक को जब तांबे में मिलाया जाता है तो उस अलॉय को पीतल यानी ब्रास कहते हैं। जिंक कॉपर के नेचुरल अलॉय के रूप में प्रकृति में पाया जाता है, और इस तरह के कॉपर और ब्रास से बनी हुई चीजें और हथियार 2800 बीसी में मिडिल ईस्ट और सुमेर की सभ्यताओं में भी प्रचलन में थे। मगर ये ब्रास प्योर जिंक से नहीं, जिंक ओर से बनता था। लो कर लो बात, उस जमाने में भी चीजों में मिलावट होती थी। सही मायनों में तो जिंक के सबसे कॉमन ओर स्फेलराइट में जिंक की मिलावट होती है, यानी उनमें से जिंक अलग करना पड़ता है। तो उसमें से जिंक को अलग कर लो बस, ये तो बहुत आसान है। इतना आसान नहीं होता। पहले के लोग इसे कॉपर का ही दूसरा रूप समझते थे। 3rd century BC के बाद से चाइना और रोमन कंट्रीज में लोग जिंक की स्मेल्टिंग और डिस्टिलेशन की टेक्निक ढूंढते रहे, मगर उनके हाथ कुछ नहीं लगा। फिर अगर उनकी मुलाकात भारतीयों से पहले ही हो जाती तो उन्हें ये तकनीक बड़े आराम से मिल जाती। मतलब इंडियंस ये टेक्निक जानते थे? माना जाता है कि इंडियंस को जिंक डिस्टिलेशन और स्मेल्टिंग की टेक्निक 5th century BC से ही पता थी। इससे पहले भारतीय लोग सिर्फ 7 धातु पहचानते थे, और जिंक की डिस्कवरी के बाद ये इस लिस्ट में 8वीं धातु के तौर पर शामिल हो गई। वाओ, उस टाइम में पढ़ना लिखना कितना आसान होता होगा ना? उस जमाने में पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 8 ही मेटल एलिमेंट्स होते थे। हम ये भी कह सकते हैं कि जिंक 4th century BC से ही इंडिया में इस्तेमाल हो रहा था, मगर वो ब्रास या कॉपर के अलॉय के रूप में था। डूबी हुई द्वारका में पाया गया रथ और अयोध्या में पाए गए 2nd century BC के तांबे के सिक्कों में भी जिंक था। रामायण और महाभारत में कांसे से बनी हुई चीजों का जिक्र है। इसके अलावा 2nd century के बुद्ध और हिंदू देवताओं की जो मूर्तियाँ मिली उनमें भी जिंक था। ये भी माना जाता है कि 4th century BC से 2nd century BC के बीच मौर्य साम्राज्य के सिक्कों में जो जिंक पाया गया है, वो राजस्थान में उदयपुर के पास बने जावर माइन से आया था। तो क्या जिंक भी माइन से ही निकलता है? हाँ, राजस्थान की जावर माइन इंडिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी जिंक माइन्स में से एक है। इंटरनेशनल मार्केट में आज जिंक एक बहुत बड़ी कमोडिटी बन चुका है, और इसमें जावर माइन का काफी कंट्रीब्यूशन है। वो कैसे? इस बात के पूरे सबूत मिले हैं कि इसी माइन के पास दुनिया में पहली बार जिंक की स्मेल्टिंग और डिस्टिलेशन हुई थी, जहां मिट्टी की दीवारों पर गाय के गोबर का लेप लगाकर एक भट्टी बनाई गई थी, और इस भट्टी में मिट्टी के बर्तनों में पहली बार 13th century AD में जिंक की स्मेल्टिंग की गई थी। मतलब हमें प्योर जिंक मिल गया जो आजकल यूज होता है। 12th century AD से पहले जिंक की हिस्ट्री के बारे में सिर्फ अंदाजे लगाए जा सकते हैं, मगर 13th century में जावर में लगे इस डिस्टिलेशन प्लांट के बाद से हम जिंक की पूरी हिस्ट्री को आराम से समझ सकते हैं। फिर जावर से ये प्योर जिंक बाहर कैसे निकला? जावर माइन से निकले हुए जिंक की पहुंच मुगल एम्पायर और गुजरात में भी थी। आईने अकबरी में जिंक के बारे में लिखा गया है, जावर माइन से निकला जिंक जयपुर में तोपों के कारखाने में भी जाता था, जहां इसे तोप में लगाने वाले लोहे में मिलाया जाता था। इसके अलावा उस जमाने में मुगल सेनाओं के पास जो हथियार थे उनमें भी जावर माइन से निकला हुआ जिंक इस्तेमाल हुआ था। तो जिंक था उस जमाने की तोपों और तलवारों की मजबूती का राज। जिंक की स्मेल्टिंग और डिस्टिलेशन में सेकंड स्टेप होता है कंडेंसिंग। चाइना के एल्केमिस्ट ये सेकंड स्टेप नहीं जानते थे। उस जमाने में बिना किसी मॉडर्न टेक्निक की मदद के सिर्फ लकड़ी के सपोर्ट से इंडियंस ने 150 मीटर नीचे तक खुदाई की। बाप रे, 150 मीटर! उसके बाद 17th century में चाइना ने भी प्योर जिंक का प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया, और वो यूरोप को जिंक एक्सपोर्ट करने लगे। उन्होंने इसे नाम दिया था तोतामुंह। माना जाता है कि ये नाम साउथ इंडिया में प्रचलित एक शब्द तुथंग से लिया गया था, जिसका मतलब होता है जिंक। वैसे जिंक की जर्नी में अगला मोड़ तब आया जब यूरोपियन साइंटिस्ट एग्रीकोला ने उस समय पोलैंड के साइलेजिया में पाए गए एक अलॉय को जिंक के तौर पर पहचाना। 16th century में उन्होंने ही इसे जिंकम का नाम दिया। 1597 में ब्रिटेन के मेटलर्जिस्ट लाइबिवियस ने इसे लेड ऑफ मालाबार इंडिया के नाम से भी बुलाया। 1738 में ब्रिटेन के विलियम चैंपियन एक कदम आगे निकल गए, और उन्होंने जिंक को कैलामाइन से अलग करने का प्रोसेस अपने नाम पर पेटेंट करवाने की कोशिश की। ये तरीका उस तरीके से बिल्कुल मिलता जुलता था जैसे कि जावर माइन में 13th century में होता था।
तो चैंपियन साहब यहाँ पेटेंट के चैंपियन बन पाए या नहीं? पेटेंट उन्हें मिला तो सही, मगर 1751 में, 1836 में हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग और 1916 में इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस आने के बाद जिंक का उत्पादन बड़े स्केल पर होने लगा और फिर इसे लोहे, स्टील और कई और धातुओं की गैल्वेनाइजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। आज इंडिया में जिंक ट्रेड की क्या पोजीशन है? सबसे पहले दुनिया की पोजीशन समझ लो। इस समय पूरी दुनिया में तकरीबन 1 करोड़ टन जिंक हर साल इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ज्यादा जिंक का इस्तेमाल करने वाले देश हैं चाइना, जापान और यूएसए। वर्ल्ड में जितना जस्ता प्रोड्यूस होता है उसका 4% इंडिया की माइन से निकलता है। इंडिया में जस्ते की 3 बड़ी माइंस राजस्थान की जाबर, रामपुरा अगूचा और राजपुरा दरीबा में है। ये तीनों माइंस राजस्थान में उदयपुर के पास हैं। इंडिया में जिंक का उत्पादन पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर के पास है और हिंदुस्तान जिंक प्रोड्यूस करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। इंडिया में ये जिंक कहाँ यूज होता है? 70% से ज्यादा जिंक गैल्वेनाइजिंग इंडस्ट्री में काम आता है। हम साल में 3.5 लाख टन से ज्यादा जिंक का इस्तेमाल करते हैं और 70% जिंक हमारी माइन से ही निकाला जाता है, जिसकी स्मेल्टिंग के लिए राजस्थान में 2 स्मेल्टर्स हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और केरला में भी 1-1 स्मेल्टर है। मतलब जिंक के मामले में हमारा फ्यूचर सिक्योर है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम एपिक।